मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 23वें राज्य अधिवेशन के उद्घाटन करने के बाद पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी खुले सत्र के लिए सिविल लाइन्स स्थित वसंतराव देशपांडे पहुंचे, जहां पर सीताराम येचुरी उन्होंने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि धार्मिक ध्रुवीकरण मोदी सरकार कर रही है। इस मौके पर सैकड़ों मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 23वें राज्य अधिवेशन के उद्घाटन करने के बाद पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी खुली सत्र के लिए सिविल लाइन्स स्थित वसंतराव देशपांडे पहुंचे, जहां पर सीताराम येचुरी इन्होंने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि धार्मिक ध्रुवीकरण मोदी सरकार कर रही है। इस मौके पर सैकड़ों मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार संविधान के आधार धर्म निरपेक्षता, सामाजिक न्याय, आर्थिक स्वतंत्रता और संघराज्य पर आघात करते हुए धार्मिक ध्रुवीकरण कर रही है। यह बेहद खतरनाक है। देश में पहली बार जाति न्याय जनगणना करने के लिए CAA, NRC, NPR लागू कर देख रही है। दलित अल्पसंख्यक आदिवासियों को टारगेट कर रही है। सार्वजनिक उद्योगों का निजीकरण कर रोजगार के अवसर खत्म कर आर्थिक स्वतंत्रता पर भी हमला कर रही है। वे जवाब विद्यार्थी वसाहत के सभागृह में आयोजित मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 23वें राज्य अधिवेशन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों में समन्वय खत्म कर संघराज्य की संकल्पना को खतरे में लाने का काम मोदी सरकार कर रही है। इस मौके पर हमारे संवाददाता संजय मिरे, इन्होंने सीताराम येचुरी से बातचीत की है, आइए देखते हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी जी हमारे साथ में आए, उनसे जानना चाहेंगे सर, जिस प्रकार से जो अधिवेशन जो रामपुर में हुई क्या कहना चाहते हैं सर? वाला है केरल में अप्रैल के 6 से 10, तो आप उस संदर्भ में ये मुख्य बात यह है महाराष्ट्र के अंदर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को किस तरीके से और मजबूत होकर आगे बढ़े, क्या है चुनौती और इन चुनौतियों को सामना करने के लिए एक ही रास्ता है, वो महाराष्ट्र पार्टी को। तो आपने महासचिव सीताराम येचुरी जिन्होंने बहुमत व्यापक के साथ बात करते हुए कहा कि पार्टी को मजबूत करना यही लक्ष्य है इस अधिवेशन का, वसंतराव देशपांडे समग्र से संजय मिले, BC News 9।